कांग्रेस पार्टी की हुकूमत का तीसरा दौर, लेकिन जिले दादू में शहरियों के मसाइल हल ना हो सके। शहर की सड़कों और गली मोहल्लों में कचरे के ढेर और तबाह हाल सैवरेज के निजाम ने शहरियों की जिंदगी अजीरन बना दी, जबकि मलेरिया और टाइफाइड जैसे खतरनाक वबाई अमराज भी फूट पड़े। मजीद तफसीलात एजाज अली चांडियों की रिपोर्ट में। सिंध के दीगर शहरों की तरह दादू के शहरी भी कचरे और काले पानी के रहमो करम पर है। गुलजार कॉलोनी और बेनजीर कॉलोनी में कचरे के अंबार ने मकीनों का जीना मुहाल कर दिया। तरक्याती कामों के लिए म्यूनिसिपल कमेटी को मिलने वाला करोड़ों रुपए का फंड और 500 से ज्यादा मुलाजमीन सड़कों से गायब नजर आ रहे हैं। इंतजामिया की जानिब से सफाई के नाकस इंतजाम के बायस शहरियों में शदीद गम और गुस्से की लहर दौड़ उठी। इधर से कोई जा भी नहीं सकता, नमाज पे कोई नहीं जा सकता, कोई भी सहूलत ना बिजली है, ना गैस है, ना कोई नेकर सिस्टम है, कोई भी सहूलत नहीं है। बड़ा आधार है इधर, ना रोड है या ना नाली है, ना ही रास्ता है। अगर आप देखोगे तो यहाँ मोहल्ले की मस्जिद है हमारे करीब, वहाँ तलबा तालीम करते हैं, उनको कोई सहूलत नहीं है। शहरियों का कहना है कि इंतखाबात करीब आते ही वोट मांगने सब आ जाते हैं, लेकिन जब मसाइल हल करने की बात आती है तो सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाकर चप्पलें घिस जाती हैं। शहरियों ने वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह से मुतालबा किया कि दादू की सड़कों पर लगे कचरे के ढेर और तबाह हाल सैवरेज के निजाम को फौरी दुरुस्त कराया जाए। या हो आपके मुरझाए हुए चेहरे पर मुस्कुराहट लाने की बात, हम बनेंगे आपकी आवाज़। सब्सक्राइब कीजिए पाकिस्तान के सबसे बड़े वेब टीवी क्विक न्यूज़ को और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे।